हाय गाइस, मेरा नाम अनन्या। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि आप कूलकॉम सीपीयू को अपने मिरेकल बॉक्स से कैसे उसका एफआरपी अनलॉक करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा है कि सर, आपने जो यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड की है फ्लैश फाइल रीड करने की और राइट करने की कूलकॉम सीपीयू के बारे में जो आपने बताया है, ये वीडियो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हमें पसंद है। सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एफआरपी अनलॉक करने का वीडियो जो है उसे भी आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एफआरपी अनलॉक करने से पहले आपको बता दूं कि कूलकॉम सीपीयू का अगर आप एफआरपी अनलॉक करना चाहते हैं, उससे पहले आप इस डायग्राम को देख लें। इस डायग्राम में मेडिकल टीम ने ये कहा है कि जो अकाउंट लॉक को जो रिमूव करना है, तो अकाउंट लॉक आप रिमूव करेंगे तो इसमें जो है न्यू मूड है वो सपोर्ट है, ठीक है। तो न्यू मूड से आप जो है अपने कूलकॉम सीपीयू का एफआरपी अनलॉक कर सकते हैं। और कैसे करेंगे एफआरपी अनलॉक, तो इस वीडियो में आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें और तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मंदानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो, तो यहाँ पे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में जो एंड्रॉइड का स्मार्टफोन है, इसमें जो है एफआरपी लॉक है और ये कूलकॉम सीपीयू है, ठीक है। और इस मोबाइल को जो हमें अपने मेडिकल बॉक्स से, अपने मेडिकल टूल से इसका एफआरपी अनलॉक करना है, रिमूव करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एफआरपी लॉक होता क्या है और एफआरपी लॉक जो लगता कैसे है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एफआरपी लॉक जो है फैक्ट्री टू रीसेट, यानी जब आपके मोबाइल को कोई रीसेट करता है तभी जो आपका एफआरपी ऑन रहता है। तो एफआरपी लॉक जो है वो गूगल ने जो है प्रोवाइड किया है इसको। और मान के चलिए कि आप अपने जो प्ले स्टोर में जो अपने ईमेल आईडी से जब लॉगिन करते हैं, तो उसी वक्त जो है आपके मोबाइल में जो है आपका जो है ये गूगल लॉक जो है ये जो है एक्टिव हो जाता है। लेकिन ये जो इसका एफआरपी ऑन नहीं होता है। लेकिन इसका एफआरपी कब ऑन होता है, जब आप अपने मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करते हैं, तो फैक्ट्री रीसेट करने के बाद ही जो है इसका एफआरपी ऑटोमेटिकली जो है ऑन हो जाता है। तो इसी को कहते हैं एफआरपी लॉक, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें एफआरपी लॉक है, इसे हमें जो है अपने मेडिकल बॉक्स से अनलॉक करना है। और एफआरपी जब लॉग होगा मोबाइल में, तो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि यहाँ पर जो इसकी का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, आप इससे आगे नहीं जा पाएंगे जब तक एफआरपी लॉग रहेगा आपके मोबाइल पर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एफआरपी अनलॉक करने के लिए सबसे पहले हमें अपना मोबाइल को जो है बूट कराना होता है। तो मोबाइल का जो बूट करने के लिए आपको पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो आप ईडीएल मोड को कैसे बूट करा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, न्यू मोड और ईडीएल मोड जो है ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो आप ईडीएल मोड के जरिए से आप एफआरपी अनलॉक कर सकते हैं और अपने सिस्टम के डिवाइस मैनेजर से अपने मोबाइल को बूट करा सकते हैं। तो और सब मोबाइल को बूट कराने का तरीका अलग है कि पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, तब आप जो है स्पीड रैम सीपीयू को बूट कराते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो क्या है कि आपको पहले ही अपना डिवाइस मैनेजर में इस मोबाइल को बूट कराना होता है और बाद में आप मेडिकल में आप इस मोबाइल पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ही आपको इस मोबाइल को बूट कराना होगा। इसका वॉल्यूम प्लस और माइनस दोनों को आप एक साथ प्रेस करेंगे और अपने डिवाइस मैनेजर में आप देखेंगे कि इसका ड्राइवर जो है ऑटोमेटिकली ले लेगा और इसका जो कूलकॉम का जो ड्राइवर है यहाँ आपको डिवाइस मैनेजर में आपको दिखाएगा। तो जब आपका इसका ड्राइवर कूलकॉम का कोई यहाँ पे दिखा देगा आपके डिवाइस मैनेजर में, तो आप समझ जाइए कि हमारा मोबाइल जो हमारे सिस्टम से बूट कर चुका है, हमारे डिवाइस मैनेजर से बूट कर चुका है। अब हम इस मोबाइल पर कुछ भी कर सकते हैं, चाहे रीड या राइट या एफआरपी अनलॉक या जो है कुछ भी हम इस मोबाइल में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एफआरपी अनलॉक करने के लिए हम अपने सिस्टम में सबसे पहले अपने मेडिकल टूल को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेडिकल टूल है वो ओपन हो चुका है। अब हमें जो है एफआरपी अनलॉक करना है कूलकॉम सीपीयू का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो अपना जो कूलकॉम का जो टूल है उसे हमें अपने सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो कूलकॉम टूल को चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे हमने कूलकॉम टूल पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ चार तरह का टूल है और यहाँ पर दिखा रहा है कि अनलॉक, रिपेयर, फ्लैशिंग, रीड, फॉर्मेट, फ्लैश, ठीक है। चार तरह का यहाँ पे ऑप्शन है।
तो जैसे हम रिपेयर पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे भी जो फास्ट बूट का जो ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे भी अकाउंट लॉक को रिमूव करने का जो ऑप्शन है। लेकिन अगर आप यहाँ से अगर अकाउंट लॉक को रिमूव करेंगे तो यहाँ से आपका अकाउंट लॉक रिमूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेडिकल टीम ने पहले ही दर्शा दिया है कि जो आप न्यू मोड के जरिए से आप अकाउंट लॉक को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अकाउंट लॉक रिमूव करने के लिए आपको रीड फॉर्मेट फ्लैश पर आपको क्लिक करना होगा, और उसके बाद आपको जो है पोर्ट पर क्लिक करना होगा। पोर्ट पर आपको जो आपके डिवाइस मैनेजर में जो आपका मोबाइल कनेक्ट है उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं अकाउंट लॉग रिमूव, ठीक है, यहां पे क्लिक करना है आपको। और यहां पे क्लिक करने के बाद अगर आप डायरेक्टली अगर आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट लॉग जो है वो रिमूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना फ्लैश फाइल का जो ही है आप FRP अनलॉक नहीं कर पाएंगे। आपके पास फ्लैश फाइल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो फ्लैश फाइल अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मान लीजिए आप डाउनलोड करना नहीं चाहते हैं तो जिस मोबाइल को अगर आप FRP अनलॉक करना चाहते हैं तो उस मोबाइल का फ्लैश फाइल पहले आप यहां पे रीड कर लें। रीड करने के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको फ्लैश फाइल पहले रीड करना होगा, उसके बाद आपको अकाउंट लॉक पे आपको क्लिक करके आप उसका जो FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मोबाइल का जो फ्लैश फाइल मैंने पहले से ही रीड कर रखा है अपने डेस्कटॉप पर, और उस फ्लैश फाइल के जरिए से हम इस मोबाइल का जो FRP हम अनलॉक कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने लिस्ट पर जो क्लिक किया है उसके बाद मैंने स्टार्ट बटन दबाया, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बिना फ्लैश फाइल का जो है ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि FRP अनलॉक करने के लिए आपको जो है यहाँ ऊपर में देख रहे हैं आप, सबसे ऊपर में जो है यहाँ प्रोग्रामर पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सिस्टम में जहाँ पर भी आपका फ्लैश फाइल होगा, जैसे हमारा फ्लैश फाइल हमारे डेस्कटॉप पर है, तो चलिए हम अपने डेस्कटॉप पर अपने फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अपने फ्लैश फाइल में से प्रोग्रामर फाइल को हमें सेलेक्ट कर लेना है अपने मेडिकल टूल में। उसके बाद लिस्ट पार्टीशन पे हमें टिक लगा देना है, ठीक है, चेक लगा देना है लिस्ट पार्टीशन पे। उसके बाद हमें जो है स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये फ्लैश फाइल का जो लिस्ट है यहाँ पे शो करेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जो फ्लैश फाइल का जो लिस्ट शो कर चुका है। उसके बाद अब हम इसमें रिमूव अकाउंट लॉक पर चेक लगा करके टिक लगा करके स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा FRP अनलॉक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम जो है रिमूव अकाउंट पर टिक लगाते हैं, चेक लगाते हैं, उसके बाद हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा FRP अनलॉक हो जाएगा। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा जो FRP अनलॉक हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।